नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हमारा दूसरा दिन है केंद्र ट्रिप का। पिछले वाले ब्लॉग पे आपने देखा हम भुवनेश्वर से निकले थे सुबह के 4 बजे। रास्ते में बहुत सारे हंसी मजाक करते हुए पहुंचे थे घटगा तारिणी के मंदिर पे। वहां पर माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे थे गुंडीचा के एक वाटरफॉल के पास। वहां पर थोड़े देर टाइम स्पेंड किए और फिर निकल पड़े थे केंजर टाउन की तरफ। केंजर टाउन के पास में ही सनघाघरा वाटरफॉल है। हमने वाटरफॉल देखा। पूरी जर्नी में बहुत सारे ड्रोन शॉट लिया गया था, सीनिक व्यू को कैप्चर किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, मज़ा आएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे ट्रैवल वीडियोज़ आने वाले हैं। वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इफ़ यू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैं भीमकुंड के रास्ते में हूँ। तो केंजर टाउन से मैं भीमकुंड की तरफ जा रहा था। यहाँ पे एक स्मॉल पैच जंगल का मिला। चलिए देखिए कितना है जंगल पूरा। भरा हुआ घना जंगल है पूरा। एंड कभी कभार एक दो गाड़ियाँ जा रही हैं, पूरा खाली ही है पूरा रास्ता। बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब सुकून है भाई जंगल में आके। बात ये है कि यहाँ पे आपको मतलब एक तो मौसम बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही सुहाना सा मौसम हुआ है, बना हुआ है। और उसी बीच में दोस्तों के बीच में हमें जंगल के बीचों बीच है। कभी कभार गाड़ी वगैरह जा रहा है और कभी कभार तो मतलब इफ़ यू हियर इट प्रॉपरली देन यू कैन हियर द साउंड्स ऑफ द नेचर। तो ये सारी चीज़ें अच्छा लग रहा है थोड़ा एक्सपीरियंस करके। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ भीमकुंड की तरफ। पहुँच चुके हैं हम भीमकुंड पे। ये जो पीछे देख रहे हैं वो भीमकुंड का गेट है। और इस बार हम छतरी लेके जा रहे हैं, इस बार बारिश पे भीगेंगे। टिकट करे पड़े कितने? 10 जोड़ा का 10। अच्छा, यहाँ पे कुछ वेटिंग हॉल है। भीमकुंड देखने के लिए वेट क्यों करना पड़ेगा? ओके, वी आर गोइंग इनसाइड। यहाँ पे एक वॉच टावर बना हुआ है जो 3 फ्लोर वाला है। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ଚାଲ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଗ ଯିବା। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ନା। ଇଏ ଯୋଉ ନଦୀ ହେ ଇଏ ନଦୀ କା ନାମ ହେ ବୈତରଣୀ। ୱାଚ୍ ଟାୱାର କେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ପେ ହି ଏକ ବାଲକନି ଜେସା ବନାୟା ଗୟା ହେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କେ ଲିଏ। ଅର ହୱା ବହୁତ ତେଜ ହୋ ରହୀ ହେ। और आगे जाके देखेंगे तो ये है भीमकुंड का जो असली नज़ारा। यहाँ से बैतरणी रिवर जो है वो बहती हुई जा रही है। पानी का भाव थोड़ा, बारिश अभी अभी शुरू हुआ है तो पानी का भाव थोड़ा नो मिनिमल है। पर मैंने सुना है कि यहाँ पे पानी पूरा फुल होके जाता है जब हैवी रेन होता है। चलिए और क्या क्या है आपको दिखाते हैं। हम यहीं से एंट्री लिए थे और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है, वो कवर ब्रिज। और ये आके वॉच टावर पर मिलता है। एंड अगर आप देखेंगे उस साइड पे देर इज ए स्मॉल वॉच टावर। दैट प्लेस इज मयूरभंज एंड दिस इज केंजर। सो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लाइन है ये बैतरणी रिवर। और इसी जगह को भीमकुंड बोला जाता है। इस जगह की खासियत ये है कि तो जिस जगह पे भीम तपस्या कर रहे थे उसी जगह को भीमकुंड नाम दिया गया। और ये है वही जगह, और उस तरफ मयूरभंज एंड इस तरफ केंजर। चलिए आपको मैं यहाँ का थोड़ा ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ।
एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, और ये जो भीम जी का स्टैचू जिस तरफ इशारा कर रहा है उसी तरफ ही ये भीमकुंड है। मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे वो पानी का शोर नहीं आ रहा है। पर एक और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, छोटे से गैप में, जो पेड़ों के छोटे से गैप में आपको दिखा रहा हूँ। आपने देखा बहुत सारे पत्थर है, चट्टानें, वो सारे पत्थर सफ़ेद के रंग के हैं, बस बीच में एक ही ये जो लाइन जैसा दिख रहा है ये एक ही लाइन है जो ब्लैक कलर का पत्थर है। बाकी हर पत्थर, हर जगह का पत्थर वाइट है, बस इसी एक लाइन का पत्थर ब्लैक है। सो इफ़ एनीबॉडी नोज इट प्लीज़ कमेंट इट। ये जो ट्रिप था बहुत मज़ेदार था, मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है कि हमें ट्रिप क्यों चाहिए होता है, बेसिकली मुझे ट्रिप क्यों चाहिए होता है, जस्ट बिकॉज वी वर्क 5 days इन ए वीक एंड हमें थोड़ा वी नीड समथिंग विच विल बी रिलैक्सिंग। और मुझे घूमना पसंद है, मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है, हालांकि आई एम नॉट दैट गुड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बट तो इसीलिए हम घूमने के लिए चले जाते हैं, पर घर वाले और बाकी सब लोग बोलते हैं क्यों घूमता है, थोड़ा रिलैक्स चाहिए हमें, वी नीड सम रेस्ट, वी नीड सम पीस इन आवर माइंड, तो इसीलिए हम घूमने के लिए निकल जाते हैं, पर लोग हमें घुमक्कड़ बोलते हैं। और इसी के साथ हम भीमकुंड से निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। हमारा होटल है केवंझर टाउन पे, तो अपने होटल की तरफ हम निकल रहे हैं। फिलहाल मैं अभी हूँ केवंझर के जगन्नाथ टेम्पल के अंदर, और यहाँ पे दर्शन हुआ। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है जगन्नाथ जी का, और बोला जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा रथ जो बनाया जाता है वो है यहाँ पे केवंझर पे। तो केवंझर का जो जगन्नाथ टेम्पल रथ यात्रा होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा हाइट में रथ बनाया जाता है, और ये वही मंदिर है जहाँ पे रथ अभी अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है। कल ही भगवान अपने मंदिर वापस आए हैं रथ यात्रा ख़त्म करके। सो यहाँ पे वो मान्यता है, और लोग यहाँ पे उस चीज़ को बहुत मानते हैं। मंदिर मैंने देखा, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, पहले जैसे था। और ये शायद 1600 बनाया गया था ये मंदिर, पुराना है ये, और इस मंदिर को इस तरह रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है कि उसके नेचुरल स्टेट में ही रहे, ऐसे मतलब ज़्यादा कुछ रिनोवेशन वगैरह करके उसका जो ऑथेंटिसिटी को ख़त्म नहीं किया गया है। बहुत सुंदर और भव्य मंदिर है, बहुत बड़े एरिया के अंदर मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर पक्षपट है, गोटे मीठा दुकान अच्छे जोटि गोटे स्पेशल मिठाई मिले, एक्चुअली सेटा हो भगवान पाखे भोग लगे ताको कहती ताट कर्पूर काली, कर्पूर काली कहते कर्पूर काली या फिर ताट भी कहते। एंड देयर इज ओनली वन शॉप विच सेल्स दिस, तो ये निहाती आसिकिना आप ट्राए करूँ कर्पूर काली। एंड अलग मिठा भी अच्छी, विभिन्न प्रकार मिठा अच्छे, छेनापोड़ आम खाइलु, छेनापोड़ इज वेरी गुड, तो मस्ट ट्राए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट, तो ट्राई करिएगा। बहुत पुराना घर। बलदेव जी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम निकले और एक जगह देखने के लिए, वो है कांझारी डैम। यस, कांझारी। ये डैम केवंझर टाउन से 24 किलोमीटर दूर है, लगभग 20-25 मिनट लगता है पहुंचने में। यहाँ पर तो वैसे कुछ करने को है नहीं, यू कैन हैव पिकनिक हियर, बट हमारा ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं था, तो हम डिसाइड किए बैठ के गप्पे मारने का। यू गाइस सिट टाइट एंड एंजॉय द व्यू।
कांधारी डैम हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था इस ट्रिप का। थोड़ी देर बातें करने के बाद निकल पड़े भुवनेश्वर की तरफ। वी टुक द सेम रोड जिसे आए थे। इसी के साथ आज का व्लॉग को वही खत्म करते हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ।